तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने करप्शन रेफरेंस दायर होने पर वजीर अला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर अला सिंध के खिलाफ गो मुराद गो तहरीक चलाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। मुराद अली शाह 13 साल बाद आता है, तेल लगाए हुआ है, इधर से पकड़ो सलीम, इधर से पकड़ो सलीम, इधर से पकड़ो सलीम। मुराद अली शाह साहब का नाम डीसीएल में डाला जाए, भाग जाएंगे। रैप के रेफरेंस एक बन चुके, बच्चे जो है 7-8 बनने वाले हैं। मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए, हमारी जान छोड़नी चाहिए। हम गो मुराद गो तहरीक चलाने जा रहे हैं। सारे गरीब लोग असेंबली में बैठे हैं बेचारे, ये सारे पैसे इनके पास जा रहे हैं। सारे गरीब लोग जिनको ये पैसे गए वो सीम हाउस में बैठे हैं। ये सारे गरीब लोग जिनको ये इमदाद के पैसे गए वो बिलावल हाउस में बैठे हैं, वजीरों के घरों में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी में बैठे हैं। इन्हें कोई पैसा नहीं छोड़ना। ज़कात हलाल, वो सलाब का पैसा हलाल, एड्स का पैसा हलाल, कुत्ते खस्ती करने का पैसा हलाल। ये था लक्कड़ अजम पत्थर अजम ग्रुप है। मुर्ता बाप साहब का कसूर नहीं है, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले मशीन है। मौलाना साहब नींद से जागो, नींद से जागो। नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, इमरान खान है। नवाज शरीफ होता तो इसराइल को कबूल कर सकता था। ये 2021 है, आप पता नहीं 2015-16 में चले गए हैं। पता नहीं हलवे में क्या खिला दिया किसी ने, क्या मिला दिया हलवे में, पता नहीं क्या खिला दिया या हलवे में क्या मिला दिया। तो मौलाना साहब आज हम इमरान खान की हुकूमत समझ रहे हैं, वो नवाज शरीफ की समझ रहे हैं।